नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रांतीय लोक निर्माण खंड में तैनात जी मुकेश कुमार के घर एफएसटी और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने 40,99,300 रुपए की नकदी भी बरामद की। इसके साथ ही आरोपी जय के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम जैसी तमाम धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर कार्रवाई की गई है। जनपद पीलीभीत में सदर विधानसभा क्षेत्र में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एफएसटी टीम को सूचना मिली कि पीडब्ल्यूडी के जेई मुकेश कुमार के आवास में कुछ संपत्ति इकट्ठा है। इस सूचना पर एफएसटी टीम द्वारा चेकिंग की गई। उनके आवास से 40,99,300 रुपए बरामद हुए। इस संबंध में व्यय प्रेक्षक महोदय एवं टाइगर टीम को सूचना दी गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। चुनावी प्रचार थमने वाला है, लेकिन ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जनता क्या चाहती है, किस तरह का विधायक जनता का हो और किस प्रकार की सरकार जनता चाहती है, इसी को लेकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के तिवारी कस्बे में जाकर लोगों से बातचीत की। क्या है लोगों का कहना, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ मनोहर चौहान और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची हुई है सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के खेवाई कस्बे में। ये काफी बड़ा कस्बा है और यहाँ का वोट जिस भी प्रत्याशी को पड़ेगा वो प्लस में जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ वोटर हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से नन्हे प्रधान ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं गठबंधन से गुलाम मोहम्मद जो कि पूर्व एमएलए भी हैं वो ताल ठोक रहे हैं। कल गुलाम मोहम्मद ने यहाँ प्रोग्राम किया, हालांकि मुकदमा भी हुआ, लेकिन अब यहाँ हमारी टीम पहुँची हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है और क्या लोग इस बार सोचते हैं, किस तरीके से वोट करेंगे, क्या जहन में है, 5 साल को लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ में। क्या नाम है आपका? शाहजम अली। ये बताइए, यहाँ जो आपका कस्बा है, यहाँ दोनों ही प्रत्याशी आ रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी, गठबंधन से भी, तो क्या लग रहा है आपको, किस इस बार क्या मूड है जनता का, क्या क्या सोचते हैं? यहाँ तो खिवाई में ज़्यादातर बसपा का है। क्यों? जो बिना नेता रहते हुए भी यहाँ इलाके में काम करा रहे हैं, विकास करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं और आधी रात भी तैयार रहते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं वहीं फिर भगे चले आते हैं, तो उन भी वोट देंगे, भाई है हमारे, आपकी बात तो इनको देंगे। अच्छा, मूड मैं कई लोगों से ऐसे मिला, आपका क्या नाम है? हाजी शमशेर अली। शमशेर जी, क्या लगता है आपको, दोनों ही कैंडिडेट मुस्लिम हैं, सपा से भी और बसपा से भी, तो क्या लगता है आपको, दोनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा आधी आधी वोट पड़ जाएंगे, क्लैश होगा, और 2017 में नदीम चौहान और गुलाम मोहम्मद दोनों हार गए थे, ऐसा तो नहीं होगा इस बार? अब ऐसा नहीं होगा, अब से 2-4-10 दिन पहले जो गुलाम साहब के लोग थे कह रहे थे कि देंगे, अब वो बिल्कुल वापसी हो चुके हैं। अब तो कह रहे कि नन्हे प्रधान को ही जिताना, बसपा को ही जिताना। ऐसा क्यों? बस ये लोगों की ये शिकायत मिली कि गुलाम साहब पहुंच नहीं पाते और पार्टीबाजी कराई उन्होंने गांवों में। अच्छा, तो जिन गांवों में पार्टीबाजी कराई वो लोग नाराज हैं। तो नेताओं पर ये आरोप लगते हैं कि पार्टीबाजी करा दी, तो नन्हे प्रधान क्या ये अगर विधायक बन जाएंगे आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? अभी तक की जिंदगी में ये आदमी किसी पार्टी में भी नहीं था, मतलब नेता नहीं था, लेकिन सभी लोगों के काम आता था, रात को आधी रात बुलाओ, फोन पिछली रात बुलाओ, भगा चलाता था खिवाई के, हर्रे के, पांचली के, इन सब लोगों के काम में आता था, तो ये अभी तक समाज सेवी रहा है, इसलिए ये अंदाजा है कि ये आदमी नहीं रहेगा पार्टी वाला। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ चूंकि इस विधानसभा जहाँ पर मौजूद है, यहाँ 1,15,000 लगभग मुस्लिम वोटर है, जबकि दलित वोटों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ 42,000 के करीब दलित वोट है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन है दलित प्लस मुस्लिम, चूंकि दलितों की पार्टी कही जाती है और मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना, तो कहीं ना कहीं जीत का ये मंत्र हो सकता है? जी बेशक हो सकता है, क्योंकि जो ये बीएसपी पार्टी है ये सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, ये ध्रुवीकरण की और तुष्टिकरण की कोई राजनीति नहीं करती, ये सभी समाज को साथ लेकर चलती है। अच्छा, नहीं ये देखा जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ गुलाम मोहम्मद जो लगातार घूमते रहे उनकी छवि भी लोग अच्छी बताते हैं, नन्हे प्रधान की अच्छी बताते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों ने दुविधा में डाल दिया वोटर को कि कहाँ जाएं? नहीं, अब तो इस बार जो है पूर्व प्रत्याशी नन्हे प्रधान की तरफ राजा। अच्छा, नन्हे प्रधान, मैंने कई लोगों से बात की, ऐसा क्यों है नन्हे प्रधान बहुजन समाज पार्टी पे, आखिर लोग क्यों जाएंगे, सरकार बन जाएगी किस तरीके से? ये अब तक किसी राजनीति में नहीं आए थे, अब राजनीति में आए तो जनता इनसे जुड़ रही है इस वजह से, और ये जनता का काम भी करते हैं बगैर इलेक्शन के भी, बगैर नेता होने के बाद भी गरीबों के साथ देते हैं और छूत अछूत के। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं खिवाई में जगह जगह घुमा, काफ़ी बड़ी बड़ी जो नालियाँ हैं वो बनी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो पिछले 5 साल में क्या क्या काम यहाँ हुए, विधायक देखे गए नहीं देखे गए, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे जितेंद्र पाल सतवाई, उनका टिकट हालांकि इसलिए काटा गया है
यहाँ से अब जो टिकट हुआ है वो मनिंदर पाल का हुआ है, तो क्या आपको लगता है आपको 5 साल में क्या काम हुए हैं और क्या होने चाहिए आपको जो क्या लगता है? ये तो अब जब सत्ता में आ जाएंगे प्रधान जी तो फिर खुद अपना काम करेंगे। यहाँ क्या काम बचे हैं? नाली खड़ंजे तो मैंने देखा, आके नहीं देखा खिवाई के अंदर। जब से सत्ता में आए विधायक बने हैं सतवाई ने विधायक जी ने, तो आके नहीं देखा खिवाई के अंदर, ये नहीं देखा खिवाई कैसा है क्या है, अब तक कोई विकास नहीं हुआ। तो भाजपा ने उनका टिकट काट तो दिया मनिंदर पाल ने। जो पहले समाजवादी पार्टी में हमारे यहाँ एक हाईस्कूल आया था, राजकीय हाईस्कूल आया था, वो जितना काम उसमें हो चुका था वही हुआ है, अभी तक वो रुका हुआ है। अस्पताल आया था वो अस्पताल वहीं का वहीं रुका हुआ है, कोई एक पैसे का काम नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में आएंगी चीज़ें। देखो समाज भाजपा से तो अच्छी समाजवादी है, ठीक है ना, क्योंकि ये भाजपा तो हिंदू मुस्लिम कराती है, ये तो लोगों को समाज को बांटने का काम करती है, और सपा जो है इस तरीके का काम नहीं करती, वो विकास कराती है। लेकिन अब जो ये हमारे नए प्रधान है, ये हमारे क्षेत्र के हैं, सिवाल क्षेत्र के हैं ये, लेकिन ये आदमी ऐसे रहे, इनकी छवि हर तरीके से अच्छी है। अच्छा, वोट केवल आप कैंडिडेट को देख कर रहे हैं, ना कि पार्टी? हाँ, कैंडिडेट को देख कर रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट भी फैक्टर देखा जा रहा है। यहाँ मेरे साथ कुछ युवा भी जुड़ेंगे, आप अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। कैंडिडेट फैक्टर देखा जा रहा है, आप युवा हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और आप क्या चाहते हैं? नहीं, अभी तो शिक्षा के इस तरह से बात की जाए तो भी गांव के अंदर हाई स्कूल जो गवर्नमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं है, जो हैं भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर वो इस तरीके से हैं कि वहाँ पे भैंसे बनती हैं, मतलब देखने लायक हालत ही नहीं है। इस तरह से आज अब से पहले जो हमारे गुलाम साहब विधायक रहे हैं यहाँ पर, वो उनकी राजनीति यहाँ इस तरह की राजनीति रही है कि वो ठेकेदारों की राजनीति है। जो कुछ ठेकेदार है चुनिंदा, उन्हीं ठेकेदारों को उन्होंने चुना, उन्हीं को जो उनका काम होता था उसी काम को वो कराते हैं। बाकी अगर कोई आम आदमी गया तो वो पूछते हैं जाके किस पार्टी से आए हो, किस ठेकेदार के हो, तो इस तरीके की उनकी राजनीति हुई है। बाकी उन्होंने मुझे ये बताइए, यहाँ कोई अस्पताल कॉलेज है? नहीं, कॉलेज नहीं है यहाँ पर, हाई स्कूल है, एक जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पर 8वीं क्लास तक का, वो भी खंडर, उसके अंदर पानी भरा पड़ा, छे पूरे बरसात ऐसी निकल गई, पूरी बरसात में उसमें घुटनों तक पानी भरा रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ जो आपका पड़ोस का एक कस्बा है हर्रा, वहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, अस्पताल भी बताए जाते हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपका इलाका वंचित शोषित रहेगा, क्योंकि आप भी कस्बे में रहते हैं, आपका भी कस्बा है, फिर ऐसा क्यों रहा? ये सारी एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हर्रा कस्बा है, वहाँ पर एजुकेशन बहुत स्तर बहुत ऊपर है, वहाँ पर लोग एजुकेटेड है। तो विशेष ध्यान दिया कि नेताओं ने? नहीं, नेता ध्यान तब देते हैं जब एक एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, अगर कोई इंसान एजुकेटेड है तो अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखता है। तो उसी तरीके से वहाँ कॉलेज आए, स्कूल आए हैं, तो वहाँ लोग बढ़ रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो उनका माहौल चेंज होता जा रहा है। तो आप अगर मान लो बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से और विधायक से, क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए? हमारे अगर कस्बा खिवाई की बात करें तो हमारे यहाँ पर शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। रास्ते में अभी हम घूम रहे थे यहाँ पर, तो रास्ते में इतनी नालियाँ गंदी हैं, वो थोड़ा साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए यहाँ पर, ठीक है, और कुछ इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए कि कोई। इतनी दूर है शहर से आपका गाँव? शहर से करीब 30 किलोमीटर है। यहाँ आसपास अस्पताल है कोई अच्छा सा? नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं है, मतलब कोई अगर एक दिक्कत हो जाए तो कहाँ जाएंगे? दिक्कत हो जाए तो मेरठ जाना पड़ता है, एक डेढ़ घंटा ट्रैवल करके तब जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक है, जामे मिले इस्लाम में से मैंने एजुकेशन हासिल। अब पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो क्या लगता है दिल्ली में और इसमें यूपी में कितना अंतर है? वहाँ केजरीवाल सरकार काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल के मुकाबले यहाँ की सरकार उतना काम नहीं कर रही? नहीं, केजरीवाल एक तरीके से देखा जाए तो केजरीवाल बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है, वो उसके अंदर चोरी वाली आदत नहीं है, उसने करप्शन हटा दिया है, बहुत हर तरीके को हर चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप दिल्ली के स्कूल देखो, यूपी के स्तर पर दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली के स्तर पर स्कूल यहाँ पर होने चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए और हॉस्पिटलिटी यहाँ उस तरीके की होनी चाहिए दिल्ली के स्तर पर, क्योंकि जब एक नीचे से स्तर निचले सड़क से उठ के एक इंसान आके एक एजुकेशन को इतना बेहतर कर सकता है। विदेशों की तर्ज पर दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए गए हैं, जो मतलब प्राइवेट स्कूल अगर देखे जाए तो उनसे अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले टीचर हैं, इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही है, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी हो गई है। अब इस बार एज ए युवा क्या मूड है, किसकी सरकार होनी चाहिए और किस तरीके का विधायक आपके क्षेत्र में होना चाहिए? विधायक की बात करें तो विधायक ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी एक जमीनी स्तर से जुड़ा होना चाहिए, कोई भी जाके मिले, सबकी बात सुने, सबका मान सम्मान करे और जो उसकी परेशानी है उसको हल करने की कोशिश करे या करे। पूरी सरकार कैसी चाहते हैं? सरकार ऐसी हो कि भेदभाव वाली सरकार ना हो, समाज को बांटने वाली सरकार ना हो, हर समाज को हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली सरकार होनी चाहिए, तो उसी तरह की हम सरकार चाहते हैं। तो ये देखा, यहाँ जो कस्बा खिवाई है, यहाँ के जो युवा हैं पढ़े लिखे हैं, बाहर जॉब करते हैं अच्छे, दूसरे इलाकों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन की अगर बात की जाती है तो केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा
दिल्ली में है, फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में है, फिर उधर चले पूरब में है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी हैं, लेकिन बढ़िया एजुकेशन की अगर बात की जाती है तो यहाँ के युवा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़कें हैं वो बेहतर हों। दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर काम होना चाहिए। हालांकि इन्होंने विधायकों की अगर बात की तो पहले विधायक ये होते थे, यहाँ की अगर बात कर ली जाए, जो समाजवादी पार्टी से रहे हैं वो मेरठ में रहते हैं, जितेंद्र पाल सतवाई मेरठ से लगे हुए अपने गांव में रहते हैं और यहाँ क्षेत्र का विधायक ना होने के चलते लोगों को समस्या होती है, अपने काम नहीं करा पाते। लोग चाहते ऐसा है कि विधायक तो क्षेत्रीय हो लेकिन सरकार ऐसी हो जो भेदभाव ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे और लोगों के काम करे। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।